कुछ तो लोग कहेंगे। एक साधु किसी नदी के पनघट पर गया, पानी पीकर पत्थर पर सिर रखकर सो गया। पनघट पर पनिहारन आती जाती रहती थी। तीन चार पनिहारने पानी भरने के लिए आईं तो एक पनिहारन ने कहा, आह साधु हो गया फिर भी तकिए का मोह नहीं गया, पत्थर का ही सही लेकिन लगा तो रखा है। पनिहारन की बात साधु ने सुन ली, उसने तुरंत पत्थर फेंक दिया। दूसरी बोली, साधु हुआ लेकिन खींच नहीं गई, अभी रोश नहीं गया, तकिया फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा, अब वह क्या करे। तब तीसरी पनिहारन बोली, बाबा ये तो पनघट है, यहाँ तो हमारी जैसी पनिहारने आती ही रहेंगी, बोलती ही रहेंगी, उनके कहने पर तुम बार बार परिवर्तन करोगे तो साधना कब करोगे। तभी एक चौथी पनिहारन ने बहुत ही सुंदर और एक बड़ी अद्भुत बात कह दी, साधु क्षमा करना लेकिन हमको लगता है तुमने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा है, अभी तक वहीं का वहीं बने हुए हो, दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो हरिनाम लेते रहो। दोस्तों सच तो यही है, दुनिया का तो काम ही है कहना। आप ऊपर देखकर चलोगे तो कहेंगे अभिमानी हो गए, नीचे देखकर चलोगे तो कहेंगे बस किसी के सामने देखते ही नहीं, आंखें बंद कर लोगे तो कहेंगे ध्यान का नाटक कर रहा है, चारों ओर देखोगे तो कहेंगे निगाह का ठिकाना नहीं, निगाहें घूमती ही रहती हैं, और परेशान होकर आंख खोल लोगे तो यही दुनिया कहेगी कि किया हुआ भोगना ही पड़ता है। ईश्वर को राजी करना आसान है लेकिन संसार को राजी करना असंभव है। दुनिया क्या कहेगी उस पर ध्यान दोगे तो आप अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। बोलो जय श्री राम।